अब आप टीचर हैं तो क्लास के साथ अटेंडेंस, टाइम टेबल, टेस्ट वगैरह पे टाइम तो देना ही होगा ना, जरूरी नहीं है, क्योंकि टीचमेंट बनाता है आपकी क्लास को असली डिजिटल और ऑटोमेट कर देता है ये सारे काम। इसलिए तो कहते हैं कि टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट। डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। अगर आप भी अपने यूपी स्कॉलरशिप का स्टेटस चेक कर रहे होंगे और स्टेटस के दौरान आपके पास अगर ऐसा शो हो रहा होगा कि पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, ग्रीन कलर में भी और रेड कलर में भी, ठीक है, तो आपको क्या करना है सही से समझिएगा, क्या करना है और कब तक आपकी स्कॉलरशिप आ जाएगी। इसके दो कारण यहाँ पे देख सकते हैं, एक इस प्रकार का आपके पास इंटरफेस आएगा और भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स है, तो आप इंस्टाग्राम पे जाएंगे, हमारे इंस्टाग्राम पे मैसेज करेंगे, जिस प्रकार की आपकी समस्या होगी आपको समाधान एक वीडियो के माध्यम से, विशेष वीडियो के माध्यम से दे दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल इस वीडियो में हम इस प्रकार के, अगर आपका पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी बता रहा है तो आपको क्या करना है, कब तक आपकी स्कॉलरशिप आ जाएगी। देखिए इसमें भी मुख्य दो रीजन से, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पांचवें नंबर पे एक स्टूडेंट का है जिन्होंने मेरे पास सेंड किया है, और सेम एक और स्टूडेंट का मैं दिखाऊंगा, यहाँ पे सेम वही प्रोसीजर है, यहाँ पे भी दिखा रहा है वेरीफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, वेरीफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, ठीक है, 2/1/2022 को यहाँ पे दिखा रहा है। अगर यह ऐसे आ रहा है आपका, यहाँ पे अगर इस प्रकार का आ रहा है तो 1 से 2 दिन में आपकी स्कॉलरशिप हो सकता है कि आपकी स्कॉलरशिप का पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ भी गया हो, आप ध्यान ना दिए हों, अगर ऐसे दिखा रहा है, ठीक है। अगर इस प्रकार से दिखाएगा एकदम सेम, यहाँ पे देख सकते हैं, अगर इस प्रकार से दिखाएगा वेरीफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी रेड कलर में भी और ग्रीन कलर में, तो आपका पैसा आपके स्कॉलरशिप मतलब आपके अकाउंट में आ गया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अगर इस प्रकार से दिखा रहा है, यहाँ पे आपको इस प्रकार से दिखा रहा है पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, ठीक है, तो आपको अभी वेट करना होगा, कुछ करना नहीं है, यहाँ पे आपको कुछ करना नहीं है, आपको करेक्शन वगैरह सारी चीज़ें आपका सही है। आपको मालूम होगा जैसे कि आगे की ओर फॉर्म फॉरवर्ड होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जहाँ पे भी जाता है संस्था में, समाज कल्याण विभाग में, तो थोड़ा सा डिले होता है, थोड़ा सा समय लगता है, सीरियल बाय सीरियल सभी कॉलेजों को या फिर सभी संस्थाओं को एक एक करके किया जाता है, तो इसमें आपको कुछ करना नहीं है, बस आपको थोड़ा सा वेट करना है, 1 हफ्ते भी लग सकते हैं, 10 दिन भी, 15 दिन भी, इस प्रकार से आपके समय थोड़े से लग सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं, आपकी स्कॉलरशिप आ जाएगी। तो अगर इस प्रकार से आपका आ रहा है तो आपकी स्कॉलरशिप आ जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर इसके बावजूद भी कोई आपके प्रॉब्लम हो स्टेटस में तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।